कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें और बढ़ गईं। पीयूष जैन की रिमांड पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 9 मई तक की रिमांड बढ़ा दी। सोमवार को वर्चुअली इस मामले पर सुनवाई हुई। बता दें कि जिला जज के यहां 28 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। तकरीबन 3 महीने पहले कारोबारी पीयूष जैन के घर GST और IT की टीम ने रेड की थी। इस दौरान उनके घर से अकूत संपत्ति मिली, करीब 196 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। 23 किलो विदेशी मुहर लगा सोना भी उनके घर से बरामद हुआ, जिसके बाद महानिदेशालय GST इंटेलिजेंस ने पीयूष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। DRI विदेशी सोना बरामदगी मामले में मुकदमा चला रही है। इन दोनों ही मामलों में पीयूष जैन की रिमांड 9 मई तक बढ़ा दी गई। विशेष लोक अभियोजन अमरीश टंडन ने बताया कि पीयूष की जेल से वर्चुअली सुनवाई की गई। उधर रुपए बरामदगी मामले में जिला जज के यहाँ 28 अप्रैल को उसकी जमानत पर सुनवाई होगी। वहीं सोना बरामदगी मामले में DRI 14 मई से पहले चार्जशीट दाखिल कर सकती है। वहीं अब रुपए की बरामदगी के मामले में पीयूष जैन की ओर से 196 करोड़ रुपए का हिसाब किताब दिया गया। DGGI को दिए विवरण में स्वीकार किया गया कि कैश बिक्री करके पैसा एकत्रित किया गया था। कन्नौज की तीनों कंपनियों से कब कब कितना पैसा बनाया गया, इसका भी विवरण इसमें शामिल है। आपको बता दें कि पीयूष जैन की ओर से दिए गए विवरण में कैश बिक्री से हुई कमाई के साथ 18% GST, 18% टैक्स और 15% पेनाल्टी की राशि दी गई। कैश बिक्री से 196 करोड़ रुपए ज़्यादा की आय दिखाते हुए इस पर GST टैक्स और पेनाल्टी मिलाकर 52 करोड़ से ज़्यादा देनदारी भी खुद पीयूष के साझेदारों की ओर से घोषित की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।